हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। कैसे हैं आप सब? हम डिस्कस करेंगे आज GS2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो UPSC के लिए बड़ा फेवरेट है। UPSC को दो चीज़ें बहुत पसंद है। पहला है स्वास्थ्य, जो आपका हेल्थ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है UPSC के लिए। दूसरा है प्रशासन, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यूपीएससी का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है प्रशासन और हेल्थ। तो इसीलिए हमने किया क्या है कि हमने सवालों के जरिए आपका जो हेल्थ सिस्टम है, जो पब्लिक हेल्थ है, इसको हमने कवर करने की कोशिश करी है आज की क्लास में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपको पता है और जो जवाब क्या है आपने लिखा है। तो हम क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे, उसके जरिए अपना पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे और अंतिम में आपकी कॉपी को भी रिव्यू करेंगे। एक बात और, कल है रविवार, तो कल आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा। कल आपके लिए आएगा एसे का एक टॉपिक, आपके लिए एसे का एक टॉपिक आएगा, निबंध का एक टॉपिक आएगा। वो टॉपिक इस वीडियो के अंतिम में मिलेगा, तो ध्यान से ये वीडियो देखते रहिए और जो टॉपिक उस पर निबंध लिख करके आप कल ग्रुप में सबमिट कीजिएगा। ये जो वीडियो है मिलता है आपको रोज रात को 9 बजे, रात को 9 बजे डेली, संडे हो या मंडे, सोमवार शुक्रवार डेली आपको मिलता है रात के 9 बजे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। होता क्या है ना कि बेल आइकन दबाने से आपको जैसे ही क्लास शुरू होगी उसका नोटिफिकेशन आपको फोन पर मिल जाएगा और आप क्लास में तुरंत हाजिर हो जाएंगे, वरना आपकी क्लास छूट जाएगी, आपको फिर लाइव देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, सभी लोग आ चुके हैं। रोहित सिंह, मुकुल प्रताप सिंह, रीमा सिबी, गुड इवनिंग सभी को। अशोक पासवान, शिवानी कनौजिया, गौरी प्रधान, अनुराधा, शिवानी झा, ईशिका, शबरीन, कुणाल, ज्योतिष मित्रा, विष्णु, अर्पिता यादव, कुणाल सिंह, रेखा, RRC, रितेश भाटिया, सुनील चंदेल, ममता यादव, सभी लोग आ चुके हैं। बहुत अच्छे, शाहजहां खातून, विनोद कुमार, सुशील पाल, बहुत ही शानदार। सवाल क्या था? सवाल था, मेंशन द इश्यूज विथ द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, हाउ कैन दीज इश्यूज बी एड्रेस्ड। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, जिस तरह का सवाल आपको मिलता है आपके क्लास 10th में, 12th में, उस तरह का सवाल है। सबसे पहले जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है इसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे। अपने इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में आता क्या क्या है, इसमें आता, माझी सटकली वाले नहीं, आता क्या क्या है, आता क्या है इसमें। डॉक्टर आएंगे, अस्पताल आएंगे, फार्मास्यूटिकल्स आएंगे, आपके फार्मा कंपनीज आएंगे, सब आएंगे यहां पर। क्लियर है? तो इसमें आता क्या क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है, ये बन जाएगा आपका इंट्रो। अगर ज्यादा क्रांतिकारी बनना है, अगर आपको डाटा याद है, तो आप पब्लिक हेल्थ सिस्टम का कुछ डाटा आप कोट कर सकते हैं। तो हम आपको दोनों रास्ते बताएंगे यहां पर। आपके इंट्रो में कंपोनेंट के रूप में क्या क्या लिख सकते हैं, आप डाटा के रूप में क्या क्या लिख सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे अभी जब हम लोग अपना इंट्रो पढ़ेंगे तब। सेकंड आपकी आती है बॉडी। बॉडी में बताएंगे कि क्या क्या इश्यूज फेस कर रहा है हमारा स्वास्थ्य प्रणाली, जो हमारा स्वास्थ्य प्रणाली है वो क्या क्या इश्यू फेस कर रहा है, करता है, उसको आपको इनुमरेट करना है। इनुमरेट करने का मतलब ये होता है कि उसको वन बाय वन लिस्ट करते जाना है। अगर मैं कहूँ इनुमरेट द इश्यूज विद द एजुकेशन सिस्टम, तो हमारा जो शिक्षा सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं उसको लाइन बाय लाइन लिखते चला जाइए, बस इतना ही करना है नंबरेट में। तो क्या क्या इश्यूज हैं हमारे स्वास्थ्य के साथ उसको लिख दीजिए। दूसरा, इसके लिए क्या क्या मेजर लिए जा सकते हैं, ध्यान सुनना, क्या लिए गए हैं ये नहीं पूछ रहा है, क्या लिए गए हैं ये नहीं पूछ रहा है, क्या लिया जा सकता है ये पूछ रहा है। मतलब आपसे योर ओपिनियन, आपका जो सोल्यूशन है, आपका जो समाधान है, ये पूछ रहा है। कई सारे बच्चे इसमें फंसे हैं, उन्होंने सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है, आयुष्मान भारत,
हॉस्पिटल बना दिया, कई सारे जो स्कीमें लॉन्च कर दी, ये सब NFS। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का मेजर नहीं लिखना है, क्या क्या किया जा सकता है एक्स्ट्रा वो लिखना है। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। आज 100 पार करना है, अभी तक केवल 57 हुआ है, अभी तक केवल 57 मुझे दिख रहे हैं, आपको 100 पार करना है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया इंट्रो, ये आपका हो गया बॉडी, और आप प्यारा सा लिखते कंक्लूजन एक लाइन का, आपका जो कंक्लूजन होगा एक लाइन का होगा, आराम से उसको लिख सकते हैं अंतिम में। ये हो गया आपका आंसर का स्ट्रक्चर कि आपका आंसर कैसा दिखेगा। अब इस आंसर में कलाकारी करने का काम आपका है। आप यहाँ पर कहाँ पर डाटा कोट करते हैं, कहाँ पर आप डायग्राम बनाते हैं, कहाँ पर आप क्या लिखते हैं, सब कुछ आप पर निर्भर करता है, सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। तो ध्यान से ये कीजिएगा। चलो, पहला है जो डाटा, डाटा से आप क्या मतलब, मैंने क्या बोला था इंट्रो में, आप डाटा से भी शुरू कर सकते हैं। तो डाटा हमारा है ये, ध्यान सुनना, जो आप डाटा लिखेंगे ये सरकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरकारी होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है उसी में, ओहो, गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है उसी से वो डाटा लिया जाना चाहिए। समझ गए? क्लियर है? बढ़िया। तो आपका जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसका टारगेट क्या है? 100 मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जन्म के दौरान जो माताओं की मृत्यु होती है वो 1 लाख में 130 माताओं की मृत्यु हो जाती है। जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसका टारगेट क्या है? हमको इसको 100 लेकर के आना है। मतलब 130 महिलाएं नहीं, केवल 100 की मृत्यु होनी चाहिए, या उससे भी कम करें तो और अच्छा। क्लियर है? फिर आपका है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या है सर? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सर, नहीं तो फिर ध्यान से, जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये अभी 1000 में 34 है। नेशनल हेल्थ मिशन कहता है कि हमको इसे 25 लेकर के आना है। ठीक है? टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हमारा टारगेट है। हमारे साउथ इंडिया के कई सारे राज्यों में TFR 2.1 या फिर उससे भी कम हो गया है। TFR क्या होता है सर? ये होता है आपका जो एक महिला अपने आयु के दौरान कितने बच्चों को जन्म देती है, वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। एक होता है रिप्लेसमेंट रेट। इसका मतलब ये होता है कि एक कपल कितने बच्चे पैदा करे कि वो अपने आप को रिप्लेस कर दे। तो ये जो 2.1 है ना, ये आपका रिप्लेसमेंट रेट ही है। आपका जनसंख्या स्टेबिलाइज होगा इससे। 81, अरे वाह, 81 हो गए, बस शतक में कुछ बाकी हैं। शानदार। आपका जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो है 60%। अब ससुर कहनाती, बताओ ये आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? अरे खर्चा होगा तो पॉकेट से बाहर ही निकलेगा, खर्चा होगा तो पॉकेट से बाहर ही तो निकलेगा। तो ये आउट ऑफ द पॉकेट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आप क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ताकि कोई बीमारी हो तो उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी कवर कर दे। क्या कर दे? उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी कवर कर दे। मान लो कि आपका खर्चा हुआ है 5 लाख का, 5 लाख के खर्चे में से छोड़ो, मान लो खर्चा हुआ है आपका 6 लाख रुपए का। क्या कहता है आयुष्मान भारत? आयुष्मान भारत कहता है कि 5 लाख का जो आपका इलाज होगा वो हम करवा देंगे। तो 6 लाख में से 5 लाख तो दे दिया आपको आयुष्मान भारत, बच गया 1 लाख रुपया। 1 लाख आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, है ना? तो जिस खर्चे को आपका इंश्योरेंस कवर नहीं करता, जिस खर्चे को आपका इंश्योरेंस कवर नहीं करता, उसको हम कहते हैं आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको? हम कहते हैं आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। समझ गए? अब यहां पर कुछ दिल दहला देने वाले कुछ आंकड़े हैं जो आपको मेंशन करना है अपने उत्तर में, ताकि आपका उत्तर एकदम जोरदार, एकदम वजनदार बन जाए। ठीक है?
जो बच्चे हैं 58% बच्चे हैं वो एनेमिक हैं, आधी महिलाएं एनेमिक है, 35% बच्चे जो है ना वो अंडरवेट हैं, वो उम्र के हिसाब से वो अपनी ऊंचाई के अनुसार उनका उतना वजन नहीं है, समझ गए बात। डॉक्टर्स हमारे यहां 1000 में 0.7 है, ठीक है, मतलब कि 7000 में केवल 7 डॉक्टर, ठीक ना। WHO बोलता है कि कम से कम 2 तो होना चाहिए, 1000 जनता के बीच कम से कम 2 डॉक्टर होना चाहिए। अरे डॉक्टर तो छोड़ो, बिहार में 28000 लोगों पर एक बेड है, बिहार में 28000 लोगों पर एक बेड है। ये सब डाटा लिखते जाओ, कोई बात नहीं, सब लिखा हुआ है इसमें, नोट्स मिल जाएगा आपको। तो ये आपका हो गया डाटा। तो डाटा से भी आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। ये एक्चुअली हमको पेस्ट करना चाहिए नीचे में, ये पेस्ट हो गया है ऊपर में, कोई बात नहीं, अभी हम किए देते हैं। अरे बहुत पढ़ना है आज, एकदम धुआं मचा देंगे। बस अंतिम तक बने रहिए, भाग के जाना नहीं है, अंतिम तक बने रहेंगे, कोई उठ करके जाएगा नहीं, जो उठ करके जाएगा वो खो देगा काफ़ी कुछ चीज़ें, आप काफ़ी कुछ लूज़ कर देंगे अगर आप वाइंस वगैरह कुछ वीडियो वगैरह कुछ नाचने गाने वाला देखने जाएंगे। पढ़ लीजिए, अभी उम्र है, ये 4 महीने का जो आपको दिया गया है इनाम हर साल नहीं मिलता, आप लकी हैं कि यहाँ पर मिला है आपको 4 महीना इतनी गलती करने के बाद भी, ठीक है। तो आपका जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है भारत में, उसमें क्या आएगा, इसमें आपका आएगा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए मैं पूरा हिंदी में बोल रहा हूँ। आपके जो अस्पताल हैं, मेडिकल है, आपकी जो सुविधाएं जो होती हैं, एम्बुलेंस वगैरह, सभी आपका आएगा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो ब्लड बैंक होता है, जो ऑर्गन बैंक होता है, जहाँ पर आपके शरीर के जो पार्ट्स होते हैं ना वो स्टोर किए हुए होते हैं, तो सब आपका आएगा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ही। जो सरकार स्कीम्स लॉन्च करती है, सरकार जो आपकी कई सारी स्कीम लॉन्च करती है, वो भी आपका किस में आएगा, वो भी आपका आएगा हेल्थ केयर सिस्टम में ही, ठीक है। चलो, इसमें आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी हेल्थ केयर है, टर्शरी हेल्थ केयर है, वो सभी आएगा। सर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आपको खांसी बुखार हुआ कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे प्राथमिक अस्पताल में, सीधे आप ओपीडी में नहीं जाएंगे ना। अगर आपको खांसी बुखार हो तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे प्राथमिक में। आप थोड़ा सा और बीमारी बढ़ जाए, आप जाएंगे सेकेंडरी में, फिर आप जाएंगे टर्शरी में अगर बहुत ही गहरी समस्या हो तो। जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, वो सारा आपका आपका पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में ही आएगा, ठीक है, बढ़िया। 81 घटवा दिए जी। जो आपके लोग काम करते हैं स्वास्थ्य में, आपके जो भी लोग काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, फार्मास्यूटिकल में काम करने वाला हो, मेडिकल में काम करने वाला हो, दवाई बनाने वाला हो, सब आपका आएगा। और आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपका जो डाटाबेस है, जहां पर आप मरीज का डाटा इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, वो सभी चीज़ें कहाँ आएंगी, वो सभी आपका आएगा पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में के अंतर्गत, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इंट्रो, ये हो गया आपका इंट्रो। अब देखना है कि आपका इशू क्या है, स्वास्थ्य के साथ आपका इशू क्या है, आपको यहां पर ये देखना है, ठीक है, ठीक है। तो सबके कमेंट वगैरह देख लेते हैं बीच में कि क्या आपको समस्या है, क्या आपको इशू हो रहा है, ताकि कुछ छूटे ना। बढ़िया, आपको कोई भी दिक्कत हो ना बीच में कहते जाओ, बीच में आप बताते जाओ कि हाँ सर मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत समझ में नहीं आया, फिर उसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है सर, दोस्त लोग मना कर रहे देखने से, बोलते हैं हमें नहीं बनना है, क्या दिक्कत है, मत बने, सबको थोड़े बनना होता है। सर जूम कर दो, और कितना जूम रुक जाओ,
रुक जा रुक जा 91। अच्छा ठीक है सर, पीडीएफ दे दिया कीजिए। अच्छा पीडीएफ तो मिल जाएगा ना, पीडीएफ में क्या दिक्कत है, पीडीएफ मिल जाएगा, सब सब अपना है सर। क्वेश्चन है लास्ट में पूछूंगी, बहुत बढ़िया ठीक है। सही है सर, गांव में झोला छाप से काम चल रहा है, सही बात है। चलो वापस आते हैं अपने इशू की तरफ। क्या पूछ रहा था हमारा अगला है इशू, क्या क्या इशू हम लोग फेस करते हैं। सबसे पहला आपका है पैसा। हम लोग केवल 1.4% ही खर्चा करते हैं हेल्थ पर। हेल्थ पर हम लोग केवल 1.4% ही खर्चा करते हैं, बाकी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है। ब्राज़ील में 8.3% है, चाइना में 6.4% है, रशिया में 7.1%, साउथ अफ्रीका में 8.8% है। सोचो जो गिरे चुने कंट्री, एकदम गिरे मरे कंट्री हैं, वहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा निवेश किया जाता है स्वास्थ्य पर, आपके यहाँ ही निवेश नहीं किया जाता। इसी कारण से आपकी जान जाती है, आपके परिजनों की जान जाती है। सोचिए कोरोना के समय में वेंटिलेटर नहीं है, जब खून चाहिए तो आपको जो जो खून है वो नहीं मिलता, ज़रूरत के समय में हमको कुछ नहीं मिलता। तो जब आप देखो ध्यान से, स्वास्थ्य का जो हेल्थ है, हेल्थ का और इकोनॉमी का बहुत ही गहरा रिश्ता है। अगर हेल्थ अच्छा होगा तो आपका जो उत्पादकता होगा वो ज़्यादा होगा। कैसे सर, अगर मुझे हेडक, अगर मुझे सिरदर्द करता रहे तो क्या पढ़ा पाऊंगा मैं अच्छे से? नहीं। अगर मेरा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है तो मैं थोड़ा सा मुस्कुरा के पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो आपकी जो उत्पादकता है वो बढ़ जाएगी। अगर आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है तो आप ज़्यादा काम करेंगे, आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, आपका जो इनकम है वो बढ़ जाएगा। आपका इनकम बढ़ गया, आपका जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गया। परचेजिंग पावर के बढ़ते ही आप ज़्यादा ज़्यादा आप गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी आप कूलर चलाते हैं, फिर आप एसी लेंगे, फिर आप कुछ और लेंगे, घर में फ्रिज आ जाएगा, सभी चीज़ें आप यहाँ पर लेंगे। क्लियर है? आमदनी बढ़ने के साथ ये सारी सुविधाएं घर में आने लगती है। तो जैसे ही सामान का, सेवा का डिमांड बढ़ा तो कंपनियां उसको फुलफिल करने के लिए, कंपनियां उस मांग को, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करती है, अपना कंपनी को एक्सपैंड करती है, नई नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, लोगों में रोजगार मिलता है लोगों को, और वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, आपको जॉब मिली, आपको रोजगार मिला, आपने फिर से अपना लाइफ स्टाइल क्या किया, बढ़ाया। तो जो लाइफ स्टाइल है वो हम और अच्छा करेंगे। समझ गए किस तरह से आपका स्वास्थ्य पूरी इकोनॉमी को नचाता है? देखा आपने? अगर आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप फ्लोचार्ट बना देंगे ना, एकदम टीचर खुश हो जाएगा। दूसरा, फिजिकल इंफ्रा हमारे यहाँ काफ़ी कम है। अरे पैसा ही खर्चा नहीं करोगे तो अस्पताल बनेगा कैसे? अस्पताल नहीं बनेगा, एम्बुलेंस नहीं आएगा, अस्पताल में बेड नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होंगे, कंपाउंडर नहीं होंगे, सबको तुम रखोगे कॉन्ट्रैक्ट पे, सबको तुम कॉन्ट्रैक्ट पे रखोगे तो कैसे काम होगा, है ना? तो हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उसमें 63% के पास तो ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है, 29% के पास लेबर रूम ही नहीं है। तो महिला का जो, मतलब कि जो बच्चे का प्रजनन हो कहाँ पर हो, बच्चे का जन्म कहाँ पर हो, तो यहाँ पर समस्या है। लोगों को घूमना पड़ता है अस्पताल से अस्पताल। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारे पास इनएडिक्वेट है। हमारे पास केवल एक डॉक्टर है 10,000 जनसंख्या के लिए, 10/26 मतलब कि मोटा मोटी 11,000 के लिए हमारे पास एक डॉक्टर है। WHO कहता है कि आपके पास 1,000 के लिए होना चाहिए एक डॉक्टर। मतलब कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 1,00,000 है तो कम से कम उसमें 1,000 डॉक्टर होने चाहिए थे। होता है क्या? नहीं। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर आपका जो झोला छाप डॉक्टर है ना, वही सब यहाँ पर आता है। क्लियर है? तो यहाँ पर समस्या है, चूँकि आप पैसे खर्चा नहीं करते तो आपका इन्फ्रा खराब है, आपके पास डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, और रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं। किसी राज्य में स्वास्थ्य का सुविधा काफ़ी अच्छा है तो वहाँ पर जाते हैं लोग, माइग्रेट करते हैं, वहाँ पर लोग इलाज करने जाते हैं। जैसे कर्नाटका है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, केरला है काफ़ी अच्छा है, दिल्ली में भी अच्छा है, मगर कहीं पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में काफ़ी ख़राब है। केरला में
1300 लोगों पर एक बेड है, बिहार में 28,000 लोगों पर एक बेड है। पड़ गए बीमार, कहाँ लेटोगे, जमीन पर? तो यहां पर यह समस्या है, हम डिमांड भी नहीं करते। बिहार में समस्या ये है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से हम डिमांड भी नहीं करते, बस जाति के आधार पर वोट करते हैं। सच है, बुरा है, मगर सच है, हम लोग यही करते हैं। केवल बिहार की समस्या बिहार में कुछ ज़्यादा है, बाकी जगह भी है, मगर हमारे देश में ये समस्या बहुत ज़्यादा है। जाति पर, धर्म पर, इन सब पर हम लोग वोट करते हैं, पैसा लेके वोट कर देते हैं जी। हमारे पढ़े लिखे लोग तो वोट करने ही नहीं जाते, उनका क्या कहें। लैक ऑफ सिनर्जी, हेल्थ जो है वो हमारा स्टेट सब्जेक्ट है। 7th शेड्यूल का में होता है 3 लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 आपका है यूनियन, लिस्ट 2 आपका है स्टेट, लिस्ट 3 आपका है कंकरेंट, मतलब कि समवर्ती। क्या है आपका है? समवर्ती सूची। ठीक है, तो यहां पर आपका जो स्वास्थ्य आता है वो आपका आता है स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में। तो करते क्या है, जो स्कीम राज्य का है वो अपना काम कर रहा है अलग, जो स्कीम केंद्र का है वो काम कर रहा है अपना अलग। तो समस्याएं होती हैं, है ना? तो समस्याएं होती हैं, जो रिसोर्स हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, रिसोर्स का संपूर्ण इस्तेमाल नहीं हो पाता। ठीक है, प्राइवेट अस्पताल में 55% लोग जाते हैं अस्पताल, मतलब वहां पर हॉस्पिटलाइज करने के लिए, सरकारी वाले में केवल 42%। बाकी कहाँ गए सर? बाकी लोकल में काम चलाते हैं। ठीक है ना, देखो 14% ग्रामीण जनसंख्या, 19% शहरी जनसंख्या, इनके पास ही केवल हेल्थ का कवरेज है। आपका जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा है। हमारे यहाँ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन नहीं हो पाया है, हमारे यहाँ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन नहीं, ये क्या होता है, कहीं चुभा देंगे क्या इंश्योरेंस? इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि कितने परसेंट लोगों ने इंश्योरेंस लिया है। अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका जो स्वास्थ्य है वो कवर करता है कंपनी, आपको खर्चा नहीं करना पड़ता। क्लियर है बात, है ना? चलो अब है, क्या क्या मेजर लिए जा सकते हैं, ये नहीं पूछा है कि क्या क्या मेजर लिया गया है। क्या मेजर लिया गया है, अगर ये पूछता, अगर सरकार ये पूछता कि क्या मेजर लिया गया है, तो हम ये सब बातें बताते। जो आपका स्कीम क्या क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपका है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। क्या है जी? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। और ऐसे ही कई सारे स्कीम है, ध्यान सुनना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि इसको इंप्लीमेंट भी करेगा केंद्र और पैसा भी आएगा केंद्र से ही। समझ गए? इसको इंप्लीमेंट करेगा केंद्र, पैसा भी आपका केंद्र से ही आएगा। ये काम करता है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। यहां पर रीजनल इंबैलेंस को सही करने के, ध्यान सुनना, हम सवाल कर रहे हैं थोड़ा सा घुमा करके। अगर सवाल में ये पूछता कि कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है तो हम क्या लिखते, हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, तो जो वहां पर हेल्थ केयर की सुविधाएं है कि नहीं, अगर नहीं है तो वहां पर सुविधा हम प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एम्स के जैसे संस्थान को हम लोग वहां पर बनाएंगे, जो वर्तमान मेडिकल कॉलेज है ना इसको अपग्रेड करेंगे, वहां पर जो कमियां हैं उसको हम दुरुस्त करेंगे। तो ये तो स्कीम हो गया स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये जो स्कीम है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए है। नया अस्पताल बनाएंगे, जो बना हुआ है उसको ठीक करेंगे, जो मेडिकल एजुकेशन है इसको प्रोवाइड करने के लिए सुविधाएं हम देंगे। फॉर एग्जांपल, मेडिकल कॉलेज में नया जो क्लासरूम है वो बना दिया, है ना? तो एक तो हो गया ये वाला, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। दूसरा आपका है नेशनल एड्स एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर स्कीम, डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, इम्प्रिंट स्कीम, सैप, ये सारे आपके हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम।
ठीक ना, जो मैंने आपको सुबह नोट्स दिखाया था वो सारे नोट्स आपके लिए ही हैं। वो नोट्स बस मैं अपडेट करके, ताकि वो नोट्स आपके 2020 के लिए, 2021 एग्जाम के लिए बेहतरीन हो जाए। ये नहीं कि पुराना का नोट्स इस्तेमाल करते जा रहे हैं क्या, डाटा एकदम नया होना चाहिए। तो उस नोट्स को उसको अपडेट करके आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ध्यान से क्लास आप रोज आया कीजिए, अंतिम तक देखा कीजिए, आप ही के लिए है। नहीं देखोगे हमें क्या, बाकी देखेंगे, बाकी पढ़ेंगे। अगला आपका है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या है सर यहां पर क्या होगा, यहां पर जो पैसा आएगा, पैसा आपका आएगा केंद्र से, पूरा तरह से केंद्र से, या फिर केंद्र और राज्य दोनों से। समझ गए बात, पैसा या तो पूरा का पूरा केंद्र से आएगा या तो केंद्र राज्य दोनों की तरफ से आएगा, मगर इसको इंप्लीमेंट करेगा राज्य। समझ गए, इसको राज्य है जो इंप्लीमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ही नेशनल रूरल ग्रामीण हेल्थ मिशन, अर्बन हेल्थ मिशन, शहरी स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वास्थ्य दोनों के लिए है। ग्रामीण स्वास्थ्य में आपका आएगा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अच्छा, आपसे एक उम्मीद और है। आप सब पहले अटेम्प्ट वाले हैं, आप पहले अटेम्प्ट वाले हैं, आपको इस लेक्चर को कम से कम 2 बार देखना है। मैंने पहले से ही कहा है आपको कि मेरा जो लेक्चर है, अगर मेरा लेक्चर आधे घंटे का है तो वो आपकी 4 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। ठीक है, आप वीडियो तभी देखिए जब आपका ज्यादा घंटे का काम कम घंटे में करा दे। तो इस लेक्चर को अगर आप 2 बार 3 बार देखेंगे ना, तो पूरा का पूरा आपके दिमाग में घुस जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे ही मैं सवाल दूंगा, आपके मन में भनाभन पॉइंट निकलने शुरू होंगे, कलम धड़ाधड़ चलना शुरू होगा। तो लेक्चर को कम से कम 2 बार देखना है, 3 बार देखिए। अगर आपको समझ में ना आता हो, कुछ पॉइंट छूट जाता हो, आप दूसरा बार देख के देखिए। आपको कुछ नया ना मिले तो बताना मुझे। सेम होता है किताब के साथ, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं एक बार, ठीक है समझ गए, उसी किताब को अगर आप पढ़ें दूसरी बार, आपको कुछ नया मिलेगा। अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था हमें, तो छूटा हुआ था, हमने ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक है ना, तो जो लोग पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, कम से कम 2 बार देखो। ठीक है, चलो। यहां पर आपका है टर्शरी केयर प्रोग्राम, जैसे कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, आपका जो हृदय रोग है उसके लिए प्रोग्राम है, जो बड़े बूढ़े हैं इनके लिए प्रोग्राम है, टेलीमेडिसिन, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, तंबाकू कंट्रोल के लिए भी आपके प्रोग्राम यहां पर हैं। तो सारा ये आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अरे मैं इतना बता रहा हूं, 10 में से कम 5 तो याद रख ही लोगे, लिखते लिखते 10 में से कम 5 याद रख लोगे। चलो अब हम आते हैं अपना रिसोर्स के पास, ह्यूमन रिसोर्स। मैंने कहा था, मैंने क्या बोला था कि हमारे पास डॉक्टर का अभाव है, नर्सों का अभाव है, कंपाउंडर का अभाव है। तो करें क्या, नर्सिंग सर्विस को बढ़िया बनाएंगे, जो फार्मेसी स्कूल है इसको अपडेट करेंगे, जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं स्टेट गवर्नमेंट के उसको अपग्रेड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वो बढ़िया बनाएंगे, जो नए मेडिकल कॉलेज हैं वो बनाएंगे। अगला आपका है RSBY, इस पर ध्यान दिया गया है, इसको हटा करके फिर आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च किया गया है। हमारी पॉलिसी क्या है, पॉलिसी हमारा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ये तो हो गई बातें, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कहा क्या गया है कि हम 2025 तक 2.5% जो है ना GDP वो डालना चाहते हैं। अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1% से लेकर के 1.4% तक GDP का, हमको बढ़ाना है, हमको ले आना है 2.5%। ये भी काफ़ी नहीं है। आपने देखा था कि चाइना, ब्राज़ील 6% 8% तक खर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य पर, है ना, तो हमको बढ़ाना है इसको। क्लियर है, हम लोग यहां पर हेल्थ को बढ़ाएंगे, बीमारी को होने से रोकेंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ देंगे, ना कि ट्रीट कर रहे हैं, नहीं, बीमारी होने से पहले ही रुक जाए, खर्चा कमेगा, डॉक्टर मस्त रहेंगे अपना। क्लियर है ना, तो यहां पर आयुष, आशा, जो आपका असेसमेंट है वो किया जाएगा आपके स्वास्थ्य का रेगुलर इंटरवल पर। सेकेंडरी और जो टर्शरी केयर सर्विस है वो देंगे, और अगर सरकार नहीं दे पा रहा है
तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना उनसे हम खरीदेंगे, उनसे हम डील साइन करेंगे कि हाँ अगर कोई आपके पास आए तो वो लौटाना नहीं है, पैसा हमसे लेना, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है ये बढ़ाएंगे और एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक डाटाबेस बनाएंगे जहां पर कौन सी बीमारी किन-किन लोगों को हो रही है और उसके लिए कौन सेवा दे रहा है, सभी बातें हम लोग यहां पर लिखेंगे उस डाटाबेस में। दूसरी बात, जो नेशनल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना ये बनाएंगे 2025 तक के, ठीक है। जो सिस्टम है उसको हम ठीक करेंगे। अगला आपका स्कीम है पोषण अभियान, फिर है न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी। ये जो स्कीम मैंने लिख दी है ना आपको यहाँ पर, आपको इससे फालतू नहीं पढ़ना है, आपका स्वास्थ्य का पूरा टॉपिक कवर हो गया। ये जो टॉपिक कवर किया है ना हमने, ये GS2 के लिए कवर किया है, इसे हमने कवर किया है एसे के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी, समझ गए। तो ये नहीं कि स्वास्थ्य केवल आपका मेंस में पूछेगा, प्रीलिम्स और एसे दोनों में पूछेगा। अगला है आपका इंद्रधनुष स्कीम, किसके लिए है सर, वैक्सीनेशन के लिए है। सभी बच्चे जो 2 साल से कम के हैं, सभी बच्चे जो 2 साल से कम के हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन सबको टीका लगाया जाएगा ताकि बीमारी होने से पहले ही रोक दें। वैसा डिजीज जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, जिसको हम वैक्सीन से रोक सकते हैं, वो सारा हम बीमारी को रोकेंगे उसको टीका लगा करके। और 5 लाख बच्चे जिनकी मृत्यु होती है हर साल, वो हमको रोकना है। 5 लाख बच्चे की मृत्यु हर साल होती है बीमारियों से, कोविड से केवल 6-6 हज़ार हुआ है, बच्चे की मृत्यु इतनी ज़्यादा होती है। सोचो ट्रैफिक से जो लोग मरते हैं ना धक्का लग करके, उतने ज़्यादा लोग मरते हैं। तो कोरोना ने जान ली है तो जान बचाई भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बातें हैं, यहाँ पर है फुल जो इम्यूनेशन वो देंगे, मगर चैलेंजेस क्या हैं, जो आपका इम्यूनेशन है उसमें चैलेंजेस क्या है वो यहाँ पर बता दिया है मैंने। सवाल पूछ सकता है ना कि हमारे यहाँ जो इम्यूनेशन है उसका बहुत मतलब हम लोग कर तो रहे हैं इम्प्लीमेंट, उसमें इश्यूज़ क्या क्या हैं, क्लियर है। तो ये सब आपको पढ़ लेना है। मेडिकल एजुकेशन के बारे में जो कमीशन एक्ट है, ये सब आपके लिए नोट्स दिया गया है, आपको बस बैठ करके इसको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। चलो ये तो हो गया कि हम क्या करेंगे जब सवाल ये पूछ दे सरकार ने किया क्या है, सरकार ने किया क्या है, तो हम इसे बातें लिख देंगे। मगर अगर ये पूछे कि सरकार के करने के बावजूद क्या करना है, बावजूद क्या करना है, अब हम ये देखेंगे। जो फिजिकल इंफ्रा है इसको बेहतर बनाइए, अस्पताल बनाइए, डॉक्टर लेकर के आइए, कंपाउंडर लाइए, नर्स लाइए, सभी लोगों को यहाँ पर लेकर के आइए। फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत के अंतर्गत आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ना, इसका निर्माण कीजिए। क्या क्या कीजिए, इसका निर्माण कीजिए, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर ये बातें हैं। जो आपके जिला अस्पताल, सोचो अगर एक जिला में, अगर आपके एक जिले में एक बढ़िया अस्पताल रहे तो कितना मजा आ जाए। क्या लोगों को कहीं बाहर जाना पड़े, बाहर तभी जाना पड़े जब बहुत जरूरी समस्या हो गई, कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर वगैरह या कोई बड़ी बीमारी हो गई जिसका इलाज हमारे यहाँ नहीं है, तो जाना पड़ेगा आपको। जो आपके सुपर स्पेशलिस्ट है ना वहाँ जाना पड़ेगा। तो आपको हर जिले में बनाना है ताकि लोग बाहर ना जाएं। पब्लिक प्राइवेट में चाहिए पार्टनरशिप, मैंने क्या बताया था, जो सेवा हमारे गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं मिल रही है वो सेवा हम दिला देंगे आपके प्राइवेट वाले से, और कह देंगे ना प्राइवेट वाले को तुम इसको इलाज कर दो, तुमको पैसा मिल जाएगा। अरे आयुष्मान भारत में यही तो होता है, जिनके पास कार्ड आयुष्मान भारत का, वो इलाज जहां मन वहां कराए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। अगर वो इलाज कराते हैं प्राइवेट वाले में तो क्या होता है, वहां पर प्राइवेट अस्पताल को पूरा खर्चा सरकार देती है, फुलफिल करती है, उसको रिमबर्स करती है, ठीक है। चलो अगला क्या है, जो आपका खर्चा है स्वास्थ्य पर वो बढ़ा दीजिएगा, 2.5% ले आइए। अभी जो कर रहे हैं ना 1.5%, इसको बढ़ा करके 2.5% ले आइए GDP का। और करना क्या है, कोर्स का जो क्वालिटी है बढ़ाइए, डॉक्टर को ढंग से ट्रेन कीजिए। जो आप कंपाउंडर हैं सुई लगा देते हैं गलत, फूल जाता है, तो सुई ढंग से लगाइए, सही जगह पर सुई लगाइए। और जो ट्रेनिंग है उनको दीजिए रेगुलरली, क्लियर है। जो हेल्थ को सर्वाइल करने का सिस्टम है वो बनाइए, मतलब कि
किस राज्य में किस तरह की बीमारी हो रहा है वो बताना है आपको, कौन से राज्य में कैसा बीमारी है वो बताना है आपको, ताकि वहाँ पर उसका बना सके अस्पताल। मान लो कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में वहाँ जंगल खूब सारा, थोड़ा ट्रॉपिकल एरिया है ज़्यादा, तो वहाँ पर मलेरिया खूब सारा होता है, मलेरिया डेंगू खूब होता है, तो वहाँ पर हमको वो जो दवाई है डेंगू का ज़्यादा भेजेंगे, है ना। तो आपका जो डाटा है, डाटा के सही सारा आपका पॉलिसी बनना चाहिए। पॉलिसी जो हो वो डाटा ड्रिवन हो, क्या हो, डाटा ड्रिवन पॉलिसी हो, ठीक है ना। चलिए ये बातें हो गई। जो आपकी ग्रामीण सेवाएं हैं उसको बढ़िया करना। देखो यहाँ पर डॉक्टर इतने बदमाश होते हैं कि वो ग्रामीण एरिया में काम नहीं करना चाहते। अब सोच रहा है कि यार हम पढ़ लिख के डॉक्टर बने हैं, देहात में काम करने जाएंगे, जाता नहीं है, मगर डॉक्टर तो वहाँ भी चाहिए हमको। करें क्या, एक मैंडेटरी ग्रामीण सेवा ले आइए, है ना, ताकि जो डॉक्टर हैं उनको डिग्री लेने के 4 साल 5 साल तक ग्रामीण एरिया में कंपलसरी काम करना पड़े। और केवल फोर्सफुली नहीं, उसको इतना पेमेंट दे दो कि वो आराम से बैठ के काम करे, वहां पर खुशी से काम करे, तब मजा आए, है ना। या अगर बहुत ही दूर दराजे का एरिया है तो क्या करना है आपको, आपको टेलीमेडिसिन इस्तेमाल करना है। क्या करना है आपका, टेलीमेडिसिन, जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन उसी तरह से इलाज भी होता है ऑनलाइन। डॉक्टर बैठा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, पूछेगा आपसे क्या बीमारी है जी, बताओगे सर सर्दी है, खांसी है, पेट में दर्द है, ठीक है ना, बोलेगा आ करो, आपने आ किया, फिर अपना जो मुंह देखेगा वो, हाँ बढ़िया है कि थोड़ा वेबकैम थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, फिर वो जो टेस्ट वगैरह है ना वो सब करेगा आपका, वहीं से दूर से ही सब काम हो जाता है। तो टेलीमेडिसिन से काफ़ी सुविधा होगी, समझ रहे हैं, अरे दूर से ऑपरेशन तक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब बातें हैं। चलिए तो ये बात हो गया कि समस्याएं क्या हैं और हमें करना क्या है। सवाल क्या था आपने देखा, जो डाटा है वो समझा हमने, इंट्रो क्या होगा, बॉडी क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, ये सब बातें हमने डिस्कस करी। और सवाल अगर घुमा के पूछ दे कि सरकार ने किया क्या है स्वास्थ्य के लिए, तो उसका भी हम अब हम आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो चलो ये हो गए बातें, अब करते क्या है कि अब देते हैं आपको हम कल का सवाल। कल जो सवाल है वो आपका यहाँ पर है एक ऐसे गांधी जी का कोट है जी, गांधी जी ने कहा था कि एक आंख के लिए आंख पूरे देश को पूरे विश्व को अंधा बना देगा, एन आई फॉर एन आई मेक द होल्ड वर्ल्ड ब्लाइंड। ये थोड़ा सा फिलोसफिकल ऐसे है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं वो गलत नहीं होगा, बस ज़्यादा सही नहीं होगा। तो आप जो भी लिखेंगे उसको हम काट नहीं सकते, बस ध्यान से लिखिएगा, टॉपिक के रिलेवेंट लिखिएगा, भटकना नहीं है आपको, ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना। तो चलो हमारे दोस्त क्यों जी भाग लिए क्या कुछ लोग, चलो कोई बात नहीं, आपका यहाँ पर जो टॉपिक है आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना जी, और बढ़िया से लेना, और इसको आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, वरना मैं डाल दूंगा आपको चैनल पे। इसको ऐसे लिख करके सब लोग कल सबमिट करेंगे और फिर हम उसको देखेंगे। हाँ एक बात और, मेरा जो ऐसे है मैं भी लिखूंगा और मेरा भी ऐसे आप देखेंगे कि इस ऐसे को टैकल कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, शुरू कैसे करते हैं, मजा आएगा कल। चलो कल लिखते हैं बढ़िया से। चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कॉपी वगैरह। पहला कॉपी है मेंशन द, हाँ ये तो हो गया, यहाँ पर इश्यूज क्या क्या हैं, लैक ऑफ पीएचसी। देखो सबसे पहली बात, जब भी आप कोई नया टर्म इस्तेमाल करते हैं, जब भी आप कोई नया टर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर पीएचसी पहले फुल फॉर्म में लिखें, शुरू शुरू में पीएचसी को फुल फॉर्म में लिखें, सीएचसी को फुल फॉर्म में लिखें, एक बार फुल फॉर्म लिख दो उसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म लिखते रहो, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म लिखते रहो कोई दिक्कत नहीं, मगर कम से कम एक बार लिखना चाहिए फुल फॉर्म। फॉर एग्जांपल सीसीआई क्या है हमको पता ही नहीं है, पीएचसी सीएचसी क्या है हमको पता ही नहीं है, ध्यान से केवल उसी का फुल फॉर्म लिखना है जो कि कम जानते हैं। फॉर एग्जांपल आरबीआई, सबको पता है आरबीआई क्या होता है, तो आपको इसका नहीं लिखना है फुल फॉर्म, मगर पीएचसी सीएचसी
कम यूज टर्म है, इसका इस्तेमाल कम होता है, इसलिए इसको इसको फुल फॉर्म एक बार लिख दीजिए, उसके बाद आराम से आप बाकी जगह पर इस्तेमाल कीजिए। बढ़िया। लिमिटेड रिसोर्स, इनएडिक्वेट फंडिंग, जस्ट 1% ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है इतना। प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छे, थोड़ा सा आप ढंग से लिखो ना, मार्जिन छोड़ो यहाँ पर ऐसे ऐसे कर करके। बढ़िया। ट्रस्ट डिफिसिट बिटवीन डोनर एंड द पेशेंट, इसमें और बात लिख सकते थे आप, बस केवल 6 पॉइंट इसमें और आप लिख सकते थे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। इतना इतना लिख दिया आपने, अगर आपने 9 मिनट के भीतर लिखा होगा, 8 मिनट 9 मिनट में, बहुत अच्छा आंसर है। चलो, हाउ टू एड्रेस दीज, ब्रिंग बिहेवियरल चेंज, नीड नीड ऑफ स्वास्थ्य भारत, जन आंदोलन, ऑनलाइन ऑफ, बहुत अच्छे, बढ़िया पॉइंट है। मगर पहले जो मेन समस्या दूर करो, मेन समस्या आपका है इंफ्रा का, फिर फंडिंग का समस्या है, पहले ये लिख दो, उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखना, शिफ्टिंग हेल्थ फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट, बढ़िया पॉइंट है, बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पर, बढ़िया सजेशन है, ठीक है, बढ़िया। 50 मार्क्स कमीशन, बहुत अच्छे, ठीक है। सीखो कैसे लिखते हैं आंसर, इनका आंसर काफी अच्छा है। अगला है स्ट्रक्चरल चेंज, एक्सपेंडिंग इन द सेक्टर अप टू एटलीस्ट 2.5, बड़े बहुत अच्छे, बढ़िया। एनएचएच एनएचपी भी कहता है, शानदार। एनएचपी कहता है 2025 तक के हमको लेकर के आना है। स्टरलाइजेशन यूज टू मेक वॉश वाटर सैनिटेशन, देखो ये होता है, वॉश अपने पहले मेंशन कर दिया यहाँ पर फुल फॉर्म में अच्छे से, कोर पार्ट ऑफ द पीआरआई एंड म्यूनसिपलिटी। देखो पीआरआई जो है ना, यहाँ पर वेल यूज टर्म है, पीआरआई का इस्तेमाल हम लोग करते रहते हैं जनरली, तो आपको इसको नहीं एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। क्रिएट एन मॉडल हेल्थ एजेंसी, नीति आयोग, नेशनल हेल्थ स्टैक, वेलकम स्टेप, फोकस ऑन R&D इन द सेक्टर, इंसर्टिंग फंड्स, बहुत अच्छे, प्रोवाइडिंग सर्विसिंग ऑफ मेडिकल एवरीवन, बढ़िया। PM भारतीय जन औषधि परियोजना, वेलकम स्टेप, बहुत अच्छा, ठीक है। अरे तुमने अपने आप यहाँ पर वो लिख दिया, ठीक है, ये आपका हो गया, क्या किया गया है, बढ़िया। सो एवरी एवर स्टेप लाइक रिसेंट, ठीक है, बढ़िया। तो ये आपका हो गया एक आंसर, आपने जो वर्ड लिमिट है वो पार नहीं किया है, आपने सारा पॉइंट अच्छे से लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस प्रेजेंटेशन पर। शायद आपका आंसर मैंने कल भी रिव्यू किया था, मैं हैंड राइटिंग में देख रहा हूँ, मैंने कल भी ये हैंड राइटिंग कल पढ़ी थी मैंने आपके सामने। किनका आंसर है जी? आपका आंसर कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, और मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर कल भी अच्छा होगा। आप लिखते रहिए, आपका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है, ठीक है ना। आपका नाम जो है वो रैंक लिस्ट में आएगा, मुझे लग रहा है आराम से, कोई डाउट नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि मैंने बाकी आंसर देखे हैं टॉपर्स के और अपने भी, तो हमारे भी आंसर ऐसे ही होते हैं। थोड़ा सा और आपको काम करना है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है इसमें, है ना। तो लिखते रहिए, आपको सुधार काफ़ी अच्छा होगा। अगला आपका है, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ केयर बिंग द मेजर कंसर्न ड्यूरिंग 50s टू सेकेंडरी, हाँ ठीक है। ऑल्दो दिस हैज़ बिन इम्प्रूव्ड, इट हैज़ नॉट, थोड़ा सा इसमें आप साफ साफ लिखना, थोड़ा सा है ना, इसको थोड़ा सा और क्लीन लिखना बढ़िया से, ताकि कोई मौका ना रहे एग्जाम के पास मतलब नंबर काटने का। स्किल विथ करप्शन, नेपोटिज्म, फ्रेंडशिप बेस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, ये एलिगेशन नहीं लगाना है, जो एलिगेशन है ना ये नहीं लगाना है, जो कंक्रीट पॉइंट है वो लिखिए। आपने ये जो एलिगेशन लगा दिया उसको आप कैसे ठीक करेंगे, मतलब आपको जैसे कोई प्रूफ है क्या, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ हो तो लिखिए, अगर प्रूफ नहीं है तो कोई कमीशन ने कहा हो उसका नाम लिख दीजिए कि हाँ इस कमीशन ने कहा था कैसा ऐसा होता है, ठीक है ना। लैक ऑफ टर्शियरी हेल्थ, इनएडिक्वेट, लैक नहीं इनएडिक्वेट, सही जगह पर सही शब्द इस्तेमाल करना है आपको, राइट वर्ड एट राइट प्लेस, ये आपको मार्क्स दिलाएगा। अर्बन ग्रामीण गैप, बहुत अच्छा, डाइट बैलेंस डाइट, थोड़ा सा भटके हुए हो दोस्त, थोड़ा सा भटके हुए हो। पॉइंट देखे आपने मेरे वाले, समझे कहाँ पर अंतर है, कहाँ पर आपको लिखना चाहिए था, हेल्थ केयर स्कीम मोर इनिशिएटिव, सुधार होगा अभी, एड्रेसिंग दिस इश्यूज, ठीक है, अभी आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बहुत ज़्यादा। चलो शबानाज, आपका आंसर यहाँ पर है 1 पॉइंट, आहा मैंने कल ही बताया था आपको कि 1.2 बिलियन है ना, और बिलियन क्यों करना है आपको, अरब लिखना है,
यूट्यूब तक आपको अब लाख में दे रहा है डाटा, सेंसस का लिखना है। बहुत अच्छे, हाँ ना ना, 13,000 कहाँ था, 10,000 कुछ था ना, 10,900 कुछ था। डाटा आपको गवर्नमेंट का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहां पर करना क्या है आपको कि थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कीजिए। अरे तुमको पूछ रहा, स्वास्थ्य प्रणाली में लिखना है यार, हेल्थ सिस्टम में, सिस्टम में क्या क्या समझ, तुमने कंपोनेंट को ही नहीं समझा। कंपोनेंट में आपका आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल वगैरह, तो समस्याएं उसकी लिखनी चाहिए ना आपको, आपने वो उस पर ज़्यादा जोर दीजिए, ठीक है ना। हिंसा वगैरह ठीक है मगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप हिंसा की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा भटका हुआ पॉइंट है, नहीं ठीक है, मतलब कि बहुत आपको इम्प्रूव कर सकते थे पॉइंट को। और समाधान क्या है, एक बात और, आप जो इतने लंबे लंबे पॉइंट लिखते हैं ना, इतना लंबा पॉइंट नहीं लिखना है आपका, पॉइंट जो है ना बस दो लाइन में जाना चाहिए। इसका देखो, इसका जो आंसर है ना, ये देखो इसमें कितना है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, है कि नहीं। फोकस ऑन R&D, फोकस ऑन सेंट डेवलपमेंट, बस हो गया पॉइंट। ऐसे लिखना है आपको, पूरा एक्सप्लेन एकदम लंबा नहीं करना है, ठीक है। इश्यूज क्या हैं, आपने लिखा है पुअर केयर क्वालिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, बढ़िया ठीक है। पुअर केयर क्वालिटी, 1.6 मिलियन इंडियन डाइट ड्यू टू पुअर। आप यहाँ पर जो रिपोर्ट है ना, आपने डाटा ये वाला कहाँ से लिया है उसको मेंशन कीजिएगा। आपने ये वाला आंकड़ा कहाँ से लिया है, आपको कैसे पता चला, भगवान ने बताया, इसको लिखिएगा वहाँ पर। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कॉपरेशन, पुअर कॉपरेशन बिटवीन पब्लिक एंड सिस्टम, बिहेवियर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, नॉन इंट्रोडक्शन, फेलियर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। थोड़ा सा और पॉइंट इम्प्रूव होगा आपका। किसका आंसर, दीप्ति तुम्हारा है क्या, शायद दीप्ति का आंसर है ये, वो शायद सुमन का आंसर था, ठीक है। करप्शन ठीक है, हेल्थ केयर ऑनलाइन बहुत अच्छा, पॉलिसी मेकिंग मिनिस्टर सप्लीमेंट ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सपेंस इन फाइनेंस ठीक है। अरे हाँ बढ़िया है, ये तो समस्या लिखा है, बढ़िया है ठीक है। 1.28 ऑन GDP 17-18, थोड़ा सा नया डाटा देते हैं आप। रेमेडी क्या है, रेमेडी है लैक इम्प्रॉपर ऑफ नंबर डॉक्टर ठीक है, इंक्रीज हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चैलेंजेस में लिखना है, चैलेंजेस क्यों पूछा था, चैलेंजेस कहाँ पूछा था, इसका जरूरत थोड़ी था, इसका जरूरत नहीं था, ये आपको वहीं पर लिखना था डाल के अंदर में, इसी में जो इश्यूज है ना, इश्यूज में लिखना था, चैलेंजेस आपको इश्यूज में ही लिखना है, घुसा के उसी में, अलग से नहीं लिखना है। इंडिया का जो मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री है विथ 1.2 बिलियन पॉपुलेशन ठीक है, वी हैव मोर फोकस ऑन कॉम्पेंसेटिव कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट आइडिया पेंशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट, हाँ ये बढ़िया पॉइंट है। जो कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपके केंद्र राज्य और जो गवर्नमेंट है ना उनके बीच में जो है ना तालमेल अच्छा होना चाहिए, पता चलता है कि आपका जो अस्पताल है ना यहाँ पर पब्लिक जॉब का प्राइमरी जब का अस्पताल है वहाँ पर कुछ दवाइयाँ ही नहीं हैं, अब वहाँ पर गया पहले रिक्वेस्ट ऊपर से फिर आ रहा है आपके 10 दिन में 20 दिन में। पोषण अभियान बहुत अच्छा, हाँ ये अच्छा लिखा आपने। वे फॉरवर्ड में सरकार ने किया क्या क्या आप इसको लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये बातें हो गई आपकी, ये आपका समस्या हो गया, ये आपका सवाल हो गया, हमने पढ़ लिया आज बहुत अच्छे, चलो हो गया। तो ये आपका है टॉपिक, अब हम देखते हैं आपके आंसर को, क्या कहा है आपने, आप लोग आंसर लिखते रहिए, आपका भी टाइम यहाँ पर आएगा ठीक है, आपका भी आंसर यहाँ पर आएगा। जिस दिन आपका आंसर यहाँ पर आने लायक हो गया तो समझ जाइए कि हाँ सुधार हुआ है, बहुत ही बेकार आंसर को यहाँ पर नहीं ला सकते हम, ठीक है ना।
तो थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, इनसे सीखिए, इम्प्रूव कीजिए। आपका ही उत्तर से बस गलती दिखे कोई जरूरी नहीं है, दूसरे गलती को देखिए। हम समझिए, हाँ मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है, समझ गए? बढ़िया। हाँ ऐसे आपका होगा 1200 वर्ड में, 1000 वर्ड में होगा आपका ऐसे, 1000-1200 वर्ड। बिल्कुल आपकी भी कॉपी आएगी, सर ऐसा हो सकता है कि करेक्टर सेकंड का न्यूज़ टेलीग्राम चैनल बना दे, इस ओनली चैनल तो मेरा ही है ना, ये तो चैनल है, तो मेरा ही चैनल है, क्या दिक्कत है? ये मेरा ही चैनल है, इसका नाम कर दो करेक्टर सेकंड में, क्या दिक्कत है? आप लिख दो करेक्टर सेकंड में, हो गया चैनल का नाम करेक्टर सेकंड में, बताओ। ठीक है चलो, बहुत टाइम हो गया, हम लोग मिलते हैं अब अपने कल, हम लोग मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में रात को 9 बजे। ऐसे को नोट कीजिएगा, इसको लिखिएगा, ठीक है? चलो लाइक कर दिया होगा, और आज आपने सेंचुरी नहीं बनने दी, कल उम्मीद करते हैं कि शतक पार कर जाएगा, ठीक है दोस्तों? चलो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।